क्या आपने कभी सोचा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में बस पानी होगा और बीच में रास्ता होगा? हाँ दिख गया ये। सो गाइस ये है स्पीडोमीटर, ये है मध्यम ग्राम रेलवे ब्रिज, इतना भीतर का रास्ता और इतना अच्छा। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वो जगह पे, शायद कोई गर्लफ्रेंड के साथ आया है। इतना बढ़िया लग रहा है गाइस, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में बस पानी होगा और बीच में रास्ता होगा? और वैसा एक बिल्कुल सेम टू सेम जगह कोलकाता के आसपास होगा? नहीं ना। सो आज हम ऐसे ही एक जगह पे जाएंगे। जगह का नाम ऑलरेडी आपने वीडियो टाइटल में देख लिया है, तो जगह का नाम है खाड़ीवाड़ी। सो चलिए गाइस मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog. आज हम लोग जा रहे हैं खाड़ीवाड़ी। ये हम आ गए श्यामनगर स्टेशन, तो यहाँ से लिफ्ट लेते ही पड़ेगा आपका श्यामनगर स्टेशन। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है सीधा पूरा कल्याणी हाईवे तक, मतलब जो रास्ता है ये रास्ता पूरा गया है कल्याणी हाईवे तक, तो वहाँ पे हम लोग को पूरा जाना है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट लगेगा यहाँ से। और ये हम आ गए हैं कल्याणी हाईवे, तो यहाँ से हमको लेना है राइट, क्योंकि शोधपुर जो होगा वो राइट साइड में होगा। मज़ा आ रहा है गाइस अभी, मतलब दोपहर है, बस दोपहर तो नहीं कह सकते, 4 बज चुका है अभी, लेकिन आज का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी वेदर। थोड़ा धूप है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। तब जब रास्ता इतना खाली होता है ना, तब बाइक चलाने का, मतलब बाइक राइड करने का एक अलग मज़ा होता है गाइस, सच में। लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्द से जल्द वहाँ से पहुँचने में, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मिनिमम 5:30 या फिर 6 तो बज जाएगा वहाँ पहुँचने में। और ये हम आ चुके हैं बैरकपुर। जब हम कल्याणी हाईवे पे बाइक चला रहे हैं, तब श्यामनगर के बाद सबसे पहला जो मोड़ आता है वो आता है बैरकपुर का, उसके बाद सेकंड जो मोड़ आएगा वही होगा श्योधपुर। तो हम ये बैरकपुर पे आ चुके हैं, बैरकपुर मोड़ के सामने ही है, इसका मतलब हमने अभी आधा रास्ता अभी क्रॉस कर लिया है।
शायद अभी रेड सिग्नल दिख रहा है मुझे, शायद यहीं पर रुकना पड़ेगा थोड़ा देर। पता नहीं ये कंस्ट्रक्शन का काम कब ख़त्म होगा, हम बहुत दिनों से देख रहा हूँ ऐसे चल रहा है। यार रास्ते का हालत पूरा ख़राब है यार, पत्थर। और अभी तो मतलब यहाँ पे अभी बारिश भी नहीं हुआ है, अगर बारिश होता तो और भी हालत ख़राब हो जाता है यार इस रास्ते का। गाइस इस रास्ते के बीचों बीच एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अगर वो आ जाए तो। अभी यहाँ से मतलब लगभग 7 से 8 किलोमीटर है, तो जाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। और गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, शायद यहीं पे राइट साइड पे होगा, तो पता नहीं चल रहा है लेकिन यहीं पे होगा, राइट साइड पे होगा आसपास। हाँ दिख गया, ये राइट साइड पे ये वाला। यहाँ पे करते हैं बाइक को साइड सबसे पहले। वेदर भी काफ़ी मस्त लग रहा है यार यहाँ पे, यहीं पे पार्क करना सही रहेगा। गाइस जैसे देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया वेदर है यार सच में। अभी बस 4 बजा है और वेदर बहुत अच्छा है। सो गाइस ये है स्पीडोमीटर, मतलब आसपास से कोई भी गाड़ी गुजरेगा ना तो उसका स्पीड ये झट से पकड़ लेता है। ये देखिए एक गाड़ी गुजरा और इसका स्पीड था 49, अब बंद हो गया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी दूर जाना है अभी क्योंकि काफ़ी किलोमीटर अभी बचा हुआ है, तो उतना जाना है पूरा। अभी अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर है। तो गाइस ये जो स्पीडोमीटर यहाँ पे रोड के ऊपर ऐसे डाल दिया गया है, ऐसे रोड के ऊपर है, तो ये स्पीडोमीटर के सामने जब आप क्रॉस करोगे कोई भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर लेके, अगर आपका स्पीड ज़्यादा हुआ तो ये जल्दी से पकड़ लेगा आपको और क्या पता फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ से सब मतलब हर कोई यहाँ पर आके गाड़ी स्लो कर देता है, अगर वो चला भी रहा है 70-80 पे तो यहाँ पर आके वो 50 कर देता है या फिर 40 कर देता है। तो एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट भी होता है ओवर स्पीडिंग की वजह से, तो ये स्पीडोमीटर यहाँ पे डालने से ये एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो चलिए ये शोधपुर मोड़ पे हम रुके थे, अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट। जैसे ही हमने लिया लेफ्ट तो हम अब घुस गए हैं मध्यम ग्राम पर, जहाँ पे है वो लोकेशन। अभी हल्का सा धूप कम हो गया है गाइस, और ये जो आप जो ब्रिज देख रहे हो गाइस ये है मध्यम ग्राम रेलवे ब्रिज, मतलब इस ब्रिज के ठीक नीचे मध्यम ग्राम रेल स्टेशन है। जैसे आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए लेफ्ट साइड पे मध्यम ग्राम रेल स्टेशन है।
आज आसमान बहुत साफ लग रहा है गाइस, सच में बहुत अच्छा वेदर है आज। और ये हम आ चुके हैं मध्यमग्राम चौमाथा मोड़ पे। तो इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपना लोकेशन के आसपास, लेकिन अभी भी अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। ये हम चले गए रोड के उस पार। बाय द वे गाइस, हमने जो रोड क्रॉस किया वो था NH, मतलब नेशनल हाईवे। वाव यार, हमने सोचा भी ना था, मतलब इतना भीतर का रास्ता और इतना अच्छा, कोई भी खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है, रास्ता बहुत क्लीन है गाइस। यहाँ का मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, मतलब कि रास्ता इतना क्लियर है, पूरा साफ सुथरा, मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वो जगह पे, देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है यहाँ पे जगह। दोनों साइड पे बस बाइकर्स और बाइकर्स, सब लोग, मतलब शायद कोई गर्लफ्रेंड के साथ आया है, शायद कोई मम्मी पापा के साथ आया है, या फिर शायद कोई फैमिली के साथ आया है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि दोस्तों के साथ भी आया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अलग सा सिनेरियो है गाइस। पहले ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में इतना दुकान नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत सारा दुकान हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग आइटम का दुकान है, तो आप यहाँ पे आप खा भी सकते हो अलग अलग चीज़, और टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। और बस दोनों साइड में बस रिवर ही रिवर है, मतलब राइट साइड पे भी रिवर, लेफ्ट साइड पे भी रिवर है, तो मज़ा आ रहा है गाइस। बहुत ठंड लगेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेदर बहुत कूल है, अच्छा लगता है इस गर्मी में, एक फ्रेश और एक चिल बेसिकली महसूस होगा यहाँ पे आके गाइस। और पता नहीं गाइस यहाँ पे सब लोग घूर रहे हैं यार, मतलब शायद यहाँ पे, मतलब ये जगह भी वैसा ही है जहाँ पे उतना मोटो ब्लॉगिंग नहीं होता है, तो लोग सोच रहे हैं कि यार इसके हेलमेट के सामने ये कैमरा, मतलब कैमरा या फिर कुछ और है, क्या लगा हुआ है यार। सब हम लोग के एज में, एज का ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे हम, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं मैक्सिमम मेरे ही एज का होगा शायद, या उसके आसपास। इतना बढ़िया लग रहा है गाइस, लेफ्ट साइड पे एक नदी, राइट साइड पे एक नदी, और ऊपर आसमान, और उसके ऊपर इतना अच्छा रास्ता, मतलब सब मिला के इतना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। हमने और एक लोकेशन देखा है, मतलब इतना चौड़ा रास्ता नहीं होगा, थोड़ा इससे रास्ता थोड़ा मतलब चौड़ा कम होगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये राइट साइड पे है, गाइस यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, कितना खूबसूरत लोकेशन है यार, क्या नज़ारा है, सच में मज़ा आ गया यहाँ पे आके। तो आप कितने भी टेंशन में हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने आ जाओगे ना, तो मतलब नेचर और आसपास का नज़ारा इतना सुंदर है, आपका टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा यहाँ पे आके। उस रोड से मैंने इस रास्ते को देख लिया था राइट साइड पे, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
दोनों साइड पे पानी, बीच में रास्ता। क्या मस्त जगह है ना गाइस। बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये लगा मुझे कि हम लोग के जैसा एज का लड़का लड़की बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पे, सब फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत अच्छा लग रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। बस ये टोटो वाला यार सच में, मतलब रास्ता इतना छोटा है और इसी जगह पे भी फिर टोटो यार। सबसे पहले ये खूबसूरत नज़ारा को देखो, उसके बाद ये रास्ते के सामने टोटो को देखो, इसके बाद हमको फोटो भी खींचना है। ये लाइट काफ़ी कम हो गया है अभी। जैसे देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे यार, अब तो फोटो खींचना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद हमने कोई भी फुटेज कैप्चर ही नहीं किया क्योंकि लाइट इतना कम हो गया था, ना तो वो लाइट गोप्रो कैप्चर कर पाता, ना तो वो लाइट आईफोन का कैमरा कैप्चर कर पाता, तो इसी वजह से ये ब्लॉग को हम वही पे एंड कर दिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।